गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग इन C++। और इसके अंदर हम देखेंगे कि C++ के अंदर एक्सेप्शंस को हम किस प्रकार से हैंडल करते हैं और एक्सेप्शंस क्या होती हैं, वो सब देखेंगे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेप्शन क्या होता है। तो हम बात करें कि एक्सेप्शन एक प्रकार की क्या होती है, एरर होती है। अब एरर की हम बात करें तो एरर दो प्रकार की एरर होती है, एक तो होती है कंपाइल टाइम एरर और एक होती है रन टाइम एरर। कितने प्रकार की एरर होती है, दो प्रकार की एरर होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। हम बात करें तो एरर बोलूँ या बग एक ही बात है, तो कंपाइल टाइम एरर होती है या रन टाइम एरर होती है। जो एरर कंपाइल टाइम पे आती है, जो एरर कंपाइल टाइम पे आती है वो कहलाती है मेरी कंपाइल टाइम एरर। और जो एरर किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन या प्रोग्राम के रन करने के टाइम पर आती है वो कहलाती है मेरी रन टाइम एरर। और रन टाइम एरर को ही मैं क्या बोलता हूँ, एक्सेप्शन बोलता हूँ। तो हमें मुझे क्या याद रखना है, वह एरर जो रन टाइम या किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर आती है वो कहलाती है मेरी एक्सेप्शन। क्लियर। मैं कंपाइल टाइम की एरर को कभी भी एक्सेप्शन नहीं बोलूँगा। एक्सेप्शन का मतलब ही ये है कि वह एरर जो केवल प्रोग्राम के को रन करते हैं या रन कर एग्जीक्यूशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं उस दौरान जो एरर आती है वो कहलाती है मेरी एक्सेप्शन। क्लियर। और जब प्रोग्राम के किसी स्पेसिफिक कोड को हैंडल नहीं किया जाता, भाई एक्सेप्शन क्यों आती है, जब किसी प्रोग्राम का कोई पोर्शन है उसको या प्रोग्राम का स्पेसिफिक कोड है उसको हैंडल नहीं किया जा सकता या किसी एबनॉर्मल कंडीशन में एक्सेप्शन हैंडलिंग का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं या उसका यूज़ करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर या प्रोग्राम के अंदर कुछ पोर्शन ऐसा होता है जिसमें एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है जिसके अंदर अबनॉर्मल कंडीशंस आ जाती हैं और उन अबनॉर्मल कंडीशंस की वजह से एरर जनरेट होती है, कंपाइल टाइम पे नहीं प्रोग्राम के रन टाइम पर। तो वो एरर को हैंडल करने के लिए हम C++ के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसे कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्लियर। अब एक्सेप्शन का मतलब तो समझ में आया होगा, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सिस्टम एरर मैसेजेस इनटू यूजर फ्रेंडली मैसेज इज नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। सिस्टम यदि सिस्टम जनरेटेड मतलब जैसे ही मैं किसी प्रोग्राम को रन करता हूँ तो उस प्रोग्राम के रन करने के दौरान एक मैसेज एक एरर अकर होती है, उस एरर को हम एक यूजर फ्रेंडली मैसेज में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करते हैं या उसको हैंडल करते हैं, तो वो चीज़ कहलाती है हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग। दिस इज़ वन ऑफ द पावरफुल फीचर ऑफ C++ टू हैंडल रन टाइम एरर एंड मेंटेन नॉर्मल फ्लो ऑफ C++ एप्लीकेशन। होता क्या है, जब भी हम किसी प्रोग्राम के को एग्जीक्यूट करते हैं तो उस प्रोग्राम का आउटपुट आना क्या होता है, मैंडेटरी होता है। यदि उस प्रोग्राम का आउटपुट डिजायर आउटपुट नहीं आता है तो उस केस में हमारा जो वो प्रोग्राम है या कोई हमने वो एप्लीकेशन बनाई है वो क्या नहीं है, रोबस्ट नहीं है। तो किसी भी प्रोग्राम को रोबस्ट बनाने के लिए हमें उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। रोबस्ट से मतलब होता है एनी हाउ कुछ भी कंडीशन हो, चाहे प्रोग्राम आउटपुट दे लेकिन आउटपुट इस तरह से होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का कि उस के इनपुट को हैंडल करने की वो क्या रखे, कैपेबिलिटी रखे। यदि मैंने रॉन्ग इनपुट भी दिया है उस प्रोग्राम को तो उस रॉन्ग इनपुट का भी वो क्या दे, आउटपुट डिस्प्ले करे। चाहे मैं ये नहीं बोलना, हम प्रोग्राम का मतलब ये नहीं कि सही आउटपुट दे, उस रॉन्ग इनपुट के लिए भी वो कम से कम आउटपुट जनरेट करे, वो शो करे कि इस तरह का इनपुट वैलिड नहीं है। तो इस तरह की एप्लीकेशन हमारी या प्रोग्राम कहलाते हैं रोबस्ट प्रोग्राम। क्लियर। ओके,
तो एक्सेप्शन देख बात करते हैं। एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट विच अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम दैट डिसरप्ट द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस। समझ, जो चीज़ मैंने पहले बताई थी अभी कि एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन एक एरर है जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान आती है। वो क्या करती है कि जो अपना प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है उसको क्या कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है। उसको हैंडल करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट लाए एक्सेप्शन हैंडलिंग। देखो आगे देखते हैं, एक्सेप्शंस आर रन टाइम एनामलीज दैट अ प्रोग्राम एनकाउंटर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन के दौरान ही आएंगे सारी एक्सेप्शन। ओके, इट इज अ सिचुएशन वेयर अ प्रोग्राम हैज एन अनयूजुअल कंडीशन एंड द सेक्शन ऑफ कोड कंटेनिंग इट कांट हैंडल द प्रॉब्लम। क्लियर, एक्सेप्शन इंक्लूड कंडीशन सच एज डिवीजन बाय जीरो, एक्सेसिंग एन एरे आउटसाइड इट बाउंड, रनिंग आउट ऑफ मेमोरी एटसेट्रा। इन ऑर्डर टू हैंडल दीज एक्सेप्शंस एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म इज यूज विच आइडेंटिफाइज एंड डील विथ सच कंडीशन। एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। क्या क्या पार्ट्स होते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के, चार पार्ट होते हैं। पहला है फाइंड द प्रॉब्लम, उसको बोलते हैं हिट द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को फाइंड करना उसको कि एक्सेप्शन किस स्पेसिफिक कोड में है, कौन से प्रोग्राम के किस पोर्शन पे कोड है, उसको बोलता हूँ मैं हिट द एक्सेप्शन। इन्फॉर्म अबाउट इट अकरेंस, कि मुझे उसकी अकरेंस कहाँ पे वो प्राप्त हुई है, उसको मैं उस वाले सेक्शन को मैं बोलता हूँ थ्रू द एक्सेप्शन। रिसीव एरर मैसेज कैच द एक्सेप्शन, टेक प्रॉपर एक्शन हैंडल द एक्सेप्शन। ये चार चीज़ें हैं, इन चार चीज़ों के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्दर। ठीक, अभी जो हमने डिस्कस किया उसके बारे में बताऊंगा। तो एक्सेप्शंस क्या है, जैसे कंपाइल टाइम की बात करूँ, कंपाइल टाइम को एरर आती है, तो कंपाइल टाइम पे क्या मोस्टली क्या एरर आती है, या तो सिंटेक्स एरर आएगी। क्या आएगी, सिंटेक्स आएगी। मान लो सपोज करो आप लोग कहीं पे सेमी कोलन लगाना भूल गए, या आपने ए प्लस बी प्लस सी लिखना था, आपने ए बी ए बी प्लस सी ऐसे लिख दिया कुछ, तो इस तरह से सेमी कोलन से रिलेटेड कहीं पे कोमा नहीं लगाया, कहीं पे आपने ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट नहीं लगाया, कहीं पे पैरेंथेसिस नहीं लगाया, कहीं पे आपने डेटा को सॉरी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया। इस तरह की एरर्स जो आती हैं वो आती हैं हमारी कंपाइल टाइम के अंदर। कंपाइल टाइम एरर जो होती हैं वो किससे रिलेटेड होती हैं, सिंटेक्स से रिलेटेड एरर्स होती हैं। तो उन सिंटेक्स से रिलेटेड एरर्स को मैं जब प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ तो उस कंपाइल के दौरान ही मुझे क्या लग जाता है, उनका पता लग जाता है। क्लियर, ठीक है, वो तो हो गई मेरी कंपाइल टाइम। दूसरी थी रन टाइम एरर्स। कुछ एरर्स, मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। सक्सेसफुली कंपाइल होने का मतलब है कि उसके अंदर कोई भी सिंटेक्स रिलेटेड एरर तो फ्यूचर में नहीं आने वाली उस प्रोग्राम के दौरान, उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। अब बात करते हैं उस प्रोग्राम को जैसे ही हम लोग रन करते हैं, तो रन करने के दौरान सपोज करो मैंने ए डिवाइड बाई बी लिखा और बी का मान मैंने रखा जीरो। आपने यूजर से, मान लो तीन वेरिएबल हैं ए बी और सी, सी इक्वल टू आपने लिखा ए डिवाइड बाई बी, और तीन और ए और बी की वैल्यू मैंने यूजर से क्या ली, इनपुट ली। अब यूजर से इनपुट सिंटैक्स मैं बात करूँ, कंपाइल कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपाइल क्योंकि सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, इसमें सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करूँगा और रन करने के दौरान यदि मैंने ए बी की वैल्यू यदि जीरो डाल दी तो क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ को डिवाइड करूँ जीरो से, वो कंडीशन क्या आ जाएगी, मेरी एक्सेप्शन के अंदर आ जाएगी। क्लियर, तो उस तरह का रिजल्ट अनडिफाइंड रिजल्ट आएगा। तो इस तरह की एरर्स को मैं कैसे हैंडल करूँ, वो सेक्शन आएगा मेरे एक्सेप्शन हैंडलिंग के। उस दौरान कोई मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए भाई, एटलीस्ट मैसेज कि यू कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो, इस तरह की कुछ एरर्स का मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो इस तरह से यूजर अपनी वैल्यूज को क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम चेंज करेगा। ओके, एक तो इस तरह की क्या होती है, रन टाइम एरर आती है। दूसरी बात कर, दूसरा हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, सपोज करो आपने किसी भी कोई एरे डिक्लेयर करी पहले, एरे डिक्लेयर करने के बाद एरे का साइज दिया आपने 20, कितना दिया 20। जैसे ही आपने एरे का साइज दिया 20 सॉरी आपने एरे का साइज दिया -10 दे दिया सपोज करो, तो सिंटैक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन जैसे ही -10 दिया तो उसके अंदर तो कोई वैल्यू कोई एलिमेंट ही स्टोर नहीं होगा। तो इस तरह की, या उसका मेमोरी का साइज आपने एलोकेट किया 20 बाइट का, लेकिन उसके अंदर आप वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हो 40 बाइट की, तो इस तरह की वैल्यूज आती है कब आती है, रन टाइम पे। उस केस में एक मैसेज डिस्प्ले होगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। आप जिस जो आपने एरे का इंडेक्स डिफाइन किया है, उस इंडेक्स से बाहर आप चीज़ों को क्या करना चाह रहे हो, एक्सेस करना चाह रहे हो या उसके अंदर स्टोर करना चाह रहे हो, तो वो कहलाती है मेरी रन टाइम की एरर, जो कि होते हैं इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। दूसरी है रनिंग आउट ऑफ मेमोरी। रनिंग आउट ऑफ मेमोरी का मतलब है, मान लो आपने कोई प्रोग्राम लिखा, आपने इनफाइनाइट लूप में चला गया। अब इनफाइनाइट लूप में यदि कोई प्रोग्राम चला गया, तो प्रोग्राम का जो अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्टैक एक पोर्शन होता है, जहाँ पे प्रोग्राम क्या होता है मेरा एग्जीक्यूट होता है, तो स्टैक प्रोग्राम उसका मेन मेमोरी का सॉरी मेन मेमोरी का में जो स्टैक होता है, स्टैक क्या होगा उस प्रोग्राम के दौरान क्या हो जाएगा, फिल होता है भाई मेरा लूप इनफाइनाइट चलेगा, तो मेरा जैसे प्रोग्राम क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा कंडीशन में जाके। जैसे ही मेरा वो स्टैक फिल होगा या क्या बोलते हैं ओवरफ्लो होने लगेगा, उस केस के अंदर ठीक है। तो ये चीज़ थी, तो जो मेमोरी मेरी रनिंग आउट ऑफ मेमोरी, इस तरह की प्रॉब्लम क्या करती है, रनिंग आउट ऑफ मेमोरी, वो फिल हो जाएगा, मेरा प्रोग्राम वहीं पे होल्ड हो जाएगा। तो ये होती हैं क्या बोलते हैं रन टाइम की एक्सेप्शंस। क्लियर? अब देखते हैं हैंडलिंग एक्सेप्शन। हैंडलिंग द एक्सेप्शन इज नथिंग बट कन्वर्टिंग सिस्टम मैसेज इनटू यूजर फ्रेंडली एरर मैसेज। यूज 3 कीवर्ड्स फॉर हैंडलिंग द एक्सेप्शन इन C++ प्रोग्रामिंग। तीन क्या क्या यूज करता हूँ, कीवर्ड्स यूज करता हूँ मुझे एक्सेप्शन को हैंडल करना है, तो तीनों कीवर्ड मुझे याद रखना है। ट्राई, एक ट्राई कीवर्ड है, एक कैच कीवर्ड है, एक थ्रो कीवर्ड है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा कि ट्राई कीवर्ड के साथ ट्राई ब्लॉक क्या होता है, कैच ब्लॉक क्या होता है, थ्रो ब्लॉक क्या होता है, किसके अंदर कौन सा पोर्शन आ जाएगा, यदि मैं एरर आएगी तो कौन सा ब्लॉक उसको हैंडल करेगा। ये सभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू।